नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो स्किन टैग के ऊपर करने वाले हैं। बहुत लोगों को बहुत तरह का स्किन टैग गोल सा स्किन एक तैयार होके गोली बन के बाहर निकल गया, नीचे जड़ पकड़ा हुआ, इस तरह का चीज़ होता है। कुछ 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 लोगों को ये मस्सा हो जाते हैं बहुत सारे गले में, गाल में या कहीं भी। ये कोई डिफाइंड स्टेट नहीं है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और जो लोग नए दर्शक हमारे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए, और जो पुराने दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए। बहुत समय छोटा छोटा स्किन टैग या गले में बहुत सारे मसे छोटे छोटे हो जाते हैं, कभी चेन में अटक जाता है, कभी साइड से कट जाता है या अस्वस्थ होता है। विभिन्न जगह में विभिन्न तरह का स्किन टैग गोल एक गोल गुष्टी बन के बाहर से निकल गया, झूल रहा है इस तरह का। और बहुत सारे लोग बहुत तरह का सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक पेशेंट आई थी, उनका इतना बड़ा गोल स्किन टैग जंघों के बीच में हुआ था। वो किसी ने बताया हेयर उसको बांध दो जोर से टाइट से, निकल के गिर जाएगा। तो उन्होंने भी बांधा और बांधने के बाद वो ब्लीडिंग जैसा हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो मस्सा निकला नहीं, उल्टे परेशानी और दर्द ज़्यादा बढ़ा, दिक्कत भी ज़्यादा बढ़ा। एक बंधु आए थे, उनका उनके पीठ में ऐसे इतना बड़ा गोल मस्सा लटकता हुआ था। उसमें भी कोई बंधु उनको सजेस्ट किया कि चूना और पान के डंटी से लगा दो और कर दो, वो खुल के गिर जाएगा। उसमें भी उसी तरह का वो और इन्फेक्टेड हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में भी, और ये मस्सों को निकालना या स्किन टैग जो बड़ा निकल के आ जाता है चमड़े वाला, इसको निकालना बड़ा इजी प्रोसीडर है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र से करते हैं हम लोग। रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र कोई पेनफुल टेक्निक नहीं है, बहुत सिंपल है। पेशेंट अपॉइंटमेंट लेके आने के बाद वहाँ हम लोग मलहम लगा देते हैं। वो मलहम लगाने से थोड़े देर में 40 मिनट में वो जगह सुना सा हो जाता है। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी लेजर से उसको काट के हटा देते हैं, और जो जड़ें रहते हैं उन जड़ों को भी हम लोग बर्न कर देते हैं ताकि वहाँ से दोबारा ग्रोथ नहीं आए, वो रूट्स ही ख़त्म हो जाए। ये बहुत इजी सिंपल प्रोसीडियर है। जस्ट अपॉइंटमेंट लेके आना है, 40 मिनट वेटिंग टाइम है मलहम लगा के वेट करने का। 40 मिनट हो जाने के बाद लेजर करने में 2-3 मिनट लगता है। चार्जेस के बारे में भी लोग सोचते हैं, तो अपना ये रेडियो फ्रिक्वेंसी लेज़र का चार्जेस 4,000 और 1,000 कंसल्टेशन फीस, 5,000 में वॉक अवे विद इन अ आवर आप ये मस्से स्किन टैग इन सारी चीज़ से निजात लेके अपने घर जा सकते हो। आप किन्हीं को भी अगर इन तरह का परिचय वगैरह ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिचय वाले दे सकते हैं। मैं एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता में बैठता हूँ, जो सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में है। यहाँ आके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।